Hey guys, welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing absolutely okay. तो first of all, wish you all a happy new year. थोड़ा late है पर new year है, कभी भी बोल सकते हैं. और ये साल जो 2020 है आपका बहुत ही अच्छा जाए, यही मेरी दुआएं हैं आपके लिए. तो न्यू ईयर में ये मेरा पहला राइड है और द राइड इज़ टुवर्ड्स इको रिट्रीट कोणार्क मरीन ड्राइव. और ये क्या है वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा आपको. और राइड मेरा बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ, तो लेट स्टार्ट होने का एक रीज़न भी है क्योंकि यहाँ का जो वेदर है अभी फ़िलहाल तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है. आपको कंफ्यूज़ कर देगा कि आप स्वेटशर्ट पहने या फिर रेनकोट पहने, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया मेरा. और इससे हमारे चैनल पे एक मतलब नया चीज़ करने वाले हम लोग, कि मैं बहुत पहले से ये सोच रहा था कि मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि उड़ीसा से हैं, तो उनके साथ कनेक्ट होने के लिए उड़िया बोलना बहुत ज़रूरी है. और मुझको मतलब काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि बीच बीच में उड़िया बोला करो. तो आज से मेरा जो अपकमिंग ब्लॉग्स है उसमें मैं उड़िया बोलने वाला हूँ बीच बीच में, जिसके वजह से मेरे को लगता है कि मेरा जो ब्लॉग्स है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि उड़िया मतलब जितने भी मेरे उड़िया सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ अच्छे से मैं कनेक्ट हो सकूं. और ये जिसको बोलते हैं ना उड़िया छुंको, जो तड़का, इसमें मैं डालने वाला हूँ. एनीवे, तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वाला लोकेशन, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी है. और यहाँ पर आने का एक रीज़न है, मैंने अपने गाड़ी पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं, लाइक हैंडल बार, सीट्स वगैरह वगैरह, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था पर फॉर्मेट होने की वजह से वो मैंने डाल नहीं पाया. तो यहाँ पे आया हूँ, गाड़ी का बीरोल शूट करूँगा, उसके साथ साथ मेरा भी शूट करने वाला हूँ. चश्मा वश्मा लेके आया हूँ, पूरा हीरो लगना है. बहुत खुशी है, छोटे छोटे खुशी तो दरकार हमारा, कौन दरकार. तो बीरोल शूट करेंगे यहाँ पर, और एक जगह है वहाँ पर जाएँगे. दोनों जगह पर शूट खत्म करने के बाद मैं निकलूँगा इको रिट्रीट. अगर वेदर अच्छा रहा तो बाइक लेके जाऊँगा, अगर फैमिली के साथ जाना पड़ा तो कार लेके जाना वाला हूँ. तो टिल देन स्टे ट्यून. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर वेदर अच्छा रहा तो मैं बाइक लेके जाऊंगा. तो वेदर बढ़िया है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर, तो मैं बाइक लेके जा रहा हूं. और राइट नाउ इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह घर से 7 बजे निकला और अकेला ही निकला. और अभी मेरे साथ कुछ 5 या 6 राइडर्स है भुवनेश्वर से, जो मेरे को इस राइड में ज्वाइन करने वाले. और हम लोग का जो मीटअप पॉइंट था वो था पिपली, और हम लोग पिपली से कुछ आगे आगे चाय पीने के लिए, और यहाँ पर रुके हैं साथी को पड़ पे. और यहाँ पर एकदम मक्खन वाली चाय मिलती है, अगर कभी आप पूरी जा रहे हो तो यहाँ पे रुकना, लेफ्ट साइड में है, बहुत ही बढ़िया चाय है. और मलाई चाय जिसको बोलते हैं, तो मतलब अलगा प्रकार चाय. और यहाँ से हम लोग निकलेंगे इको रिट्रीट. अभी थोड़ा चाय और नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह का टाइम है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो चाय बहुत ज़रूरी है. तो बरा घुगुनी देखे वहाँ पर टूट पड़े, बरा घुगुनी जो उठी उड़िया प्लस सीट जी वे सबू खाई वे. Oh,
अभी हम लोग हैं इको रिट्रीट में और गाड़ियाँ हम लोगों ने बाहर पार्क किए और अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो इको रिट्रीट इज़ एक्चुअली बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारा चीज़ आपको मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस में नहीं कर सकते हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको करने का मौका दे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे कैंप है तो आपके बजट के हिसाब से आप टेंट ले सकते हो, लाइक 7,000 से लेकर 22,000 तक यहाँ पे टेंट्स वगैरह सब है और पैराग्लाइडिंग, जेट्स की और ऑफ रोडिंग वगैरह आप यहाँ पे सब कुछ ट्राई कर सकते हो। और शाम में यहाँ पे रेगुलर बेसिस में कल्चरल इवेंट होता है जो उड़ीसा के मतलब स्टार्स और जो इंडिया के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और रेगुलर बेसिस में ये सब होता है। और एक्चुअली ये 45 डेज़ का था तो इसके जो अभी जो सक्सेस मतलब ये हुआ है उसके वजह से ये और 15 दिन एक्सटेंड हुआ है, तो फरवरी 14 तक ये है। अगर आप यही पास से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आके ये सब चीज़ एंजॉय आप कर सकते हो क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अभी ये हुआ है, मैं पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब होगा। शाम के टाइम यहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है, अभी तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोई भी स्टॉल अभी तक नहीं खुला है। तो ये शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है और लाइटिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप शाम में आइए घूमिए रहता है, तो आइए फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ, हम लोग तो आए हैं यहाँ पे घूमने। चुके हैं ख़त्म, अभी चल रहे हैं हम लोग घर बैक टू भुवनेश्वर। हाँ भाई कुछ भी ना भारी। तो भाई मैंने टेंशन दिया यार उड़िया कहीं, ओडिया यही राइड रे टिके कम रहिला, नेक्स्ट राइड रू चलो। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो और जो साइड में बेल का आइकन है उसको दबाओ ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सी यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस 12।